रामपुर से मलीना जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद मलीना, स्वागत है आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, उस दिन मुझे लास्ट कॉल लगी थी तो मैं पूरी बात नहीं कर पाई, तो सोच रही हूँ आज मैं थोड़ा बात करूँ। डॉक्टर साहब, मेरे आंखों में से पानी निकल रहा है, मतलब लेफ्ट राइट वाला है तो पानी निकल रहे बार बार, तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे। और मुंह में जो है चेहरा पे काला काला सा दाग दाग धप्पा धप्पा सा दिख रहे हैं, तो इसके लिए भी बताएंगे आप। और डॉक्टर साहब, वो जो हाथ पैर में जो सुन्नी सी आती है तो उसके लिए आपने बताए थे, हम मतलब टीवी में सुनती रहती हूँ आपकी, जैसा अदरक की, नींबू की या लहसुन की, तीनों एक एक किलो रस मिला के एक साथ मिलाना है। मिलाने के बाद उसको गर्म कर रख, तो ये इतने दिन, बहुत दिन तो चलेगी, तो इसको कोई गर्म करना है क्या? और इसका मैं जो जैतून की जो सिरका है तो ये भी इसमें तीनों के साथ एक साथ चारों चीज मिला के इसको गर्म करके एक जगह में रखना है या नहीं गर्म करना है? और ये खराब तो नहीं होगी? अगर खराब नहीं होगी तो उसी हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी, आप इसको बताएंगे। और तीसरी बात है, जो मैंने उस दिन आपको बताए थे तो टाइम की वजह से पूरी नहीं हुई बात, टांगों में मतलब घुटने से लेके मतलब एड़ी तक मतलब सूखा खुजली होती है, मतलब हल्का हल्का हल्का, आपकी नमक जैतून खाने के सोडा और अलसी भुनी हुई पाउडर ये तो चल ही रहे डॉक्टर साहब, बहुत दिन हो गया। तो ये जो काला काला, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, दाग भी नहीं है, फुंसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर इसे नखून से खुजाने के बाद ये चमड़ा काला पड़ गया, तो इसकी जगह में कुछ से लगाने के लिए कुछ है डॉक्टर साहब? तो उसमें मतलब ये काला काला जो है दाग दिखाई दे रहा है, पैर तो कपड़े के नीचे होता है, कितने मतलब गोरा बिल्कुल होना चाहिए तो एकदम काला पड़ गया, तो इस काला दाग को छुटाने के लिए कोई ट्यूब वगैरह या कोई कुछ लगाने के लिए वो भी बता दीजिए। और डॉक्टर साहब इतने ही बता दीजिए, तो मैं कुछ दवाई ववाई मतलब आप बताएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद है आपकी सारी दवाई तो मेरे कामयाब हो गया। जो निशानात हो गए आपके पैरों पे, चमड़ी पर, तो उसके लिए राई का तेल वो मालिश किया करिए और छोड़ दिया करिए। रात को मालिश की करके छोड़ दिया करिए। और अलसी वाला नुस्खा आप ले ही रहे हैं तो बहुत जल्द वो दाग भी आपके चले जाएंगे। जी, आंखों से पानी। गाजर के ज़माने में गाजर, और गाजर ना हो तो सौंफ का पानी पिया करें। 4 चम्मच सौंफ उबाल कर वो पानी छान कर और उसमें नमक जैतून 2 चुटकी मिलाकर आप ले लिया करिए। आँखों के रोग के लिए आपको फ़ायदा मुमकिन है। एक आती है मुंडी बूटी, उसके 4 पीस उबाल कर पिया करिए रोज़ाना 10 दिन तक, तो उससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हाथ पैर सुन्न की बात कर रही हैं, और वो जो आप 3 चीज़ों का बताते हैं, अदरक वगैरह का गर्म करने के लिए बोल रही थी। जी हाँ, इसको गर्म भी किया जा सकता है। ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसको गर्म करके और ठंडा करके रख लेते हैं। वैसे भी आप मिला के रखेंगे तो ये 4 चीज़ों का मिश्रण ख़राब नहीं होता, बशर्ते कि आप जैसे ही वो अदरक और नींबू और लहसुन का जूस निकालें, फौरन जैतून के सिरके में मिला दें, तो फिर ये जैतून का सिरका इसे कभी ख़राब नहीं होने देता। आप इसे फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट कॉलर सुनील जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, देहरादून देहरादून से। जी मेरी मिसेज ये मतलब कमर दर्द, टांग दर्द के लिए ये काला गोंद खा रही है जी, तो क्या इसके साथ इसकी थोड़ा नशा में प्रॉब्लम है, तो वो ये कैप्सूल एक्सकेयर इसके साथ खा सकती है? और जी दूसरा
ये चार आइटम का जो मिश्रण है, नींबू, लहसुन, अदरक और जैतून का सिरका, इसके साथ इसमें नमक जैतून मिलाकर और एक चुटकी सोडे का मिलाकर लिया जा सकता है इकट्ठा जी? देखिए, ये चार चीज़ों का मिश्रण, इसके साथ आप नमक जैतून और खाने का सोडा मिलाकर ले सकते हैं, एक दो चुटकी मिलाकर ले सकते हैं। दिन में दो तीन बार लेना होता है। और जो काला गोंद वो खा रही हैं, वो अगर एस्केयर कैप्सूल उन्हें खाना हो तो एक टाइम पर काला गोंद खाएं और दूसरे टाइम पर एस्केयर कैप्सूल खा सकते हैं। दिन में दो तीन टाइम ये ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है, आपकी पत्नी को भी फ़ायदा होना मुमकिन है।